वीडियो तो दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा, यूट्यूब पे देखना डायरेक्ट। और आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है। आज हम लोग जाने वाले हैं बापूधाम मोतिहारी, वन ऑफ द हिस्टोरिक प्लेसेस ऑफ बिहार, जहाँ पे बहुत सारी हिस्टोरिक चीज़ें देखने को मिलेंगी और गांधी जी की चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। हम लोग 5-6 जन जाएंगे गाड़ी से, तो बहुत मज़ा आएगा। देखते रहो वीडियो को एंड तक, कब क्या होगा पता नहीं यार। अब मैं भी पहली बार जा रहा हूँ तो बहुत मज़ा आएगा। चलो चलो चलो, गाड़ी कहाँ है? गाइस हम लोग सभी जाने वाले हैं, 4 जन, 1, 2, 3 और सब जी। आज देख लो गमछा भी ले लिया यार, इधर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा पसीना होने वाला है, सो पानी और गमछा वेरी इंपॉर्टेंट। आधा रास्ता कवर कर चुके हैं, अभी हम लोग मोतिहारी पहुंचने में और लगभग 20 किलोमीटर दूर है, इधर से हम लोग खोटवा पहुंच चुके हैं। सो बने रहो, देखते हैं कब मिलेगा। गर्मी और धूप है गाइस, ये देखो बहुत गर्मी लग रहा है गाइस, तो पानी पीते रहो तुम लोग भी, ठीक है? पानी कोरोना से ही बचाएगा, हर बीमारी से बचाएगा, तो पानी पीते रहो। और कितना दूर है गांधी? बस पहले पहले कहाँ जाया जाएगा? पहले गांधी मैदान ना, गांधी स्मारक, पहले गांधी मैदान, पहले गांधी मैदान, गांधी मैदान, ठीक है। उस दिन की तरह हुआ, हम लोग खेलने गए, खेलने को मिला नहीं, आज हम लोग आए और इत्तेफाक से संडे को आए और बंद है, वेरी बंद है। ये देखो, वो देखो, ये तो बंद ही है, वो वाला गेट भी बंद है। खोल दो साइड, तोड़ दो। यार मत खराब है ना, क्या है, इत्तेफाक से संडे को आए और संडे को बंद है। सो कहाँ घूमने जाया जाएगा, आए तो कहीं घूम के ही जाएंगे। ओके, तो बने रहो वीडियो के साथ। क्या आज खुलेगा कि नहीं? ऐसे तो यही है गांधी मैदान, काफी बड़ा फील्ड है, दो स्टेडियम बन सकता है। वाह, बड़ा फील्ड है कि दो स्टेडियम बन सकता है, सोच लो अब सब बड़ा बन जाएगा। और देखो, चलो पूछा जाएगा जाने मिलेगा कि नहीं, वैसे है तो बंद आज संडे। गांधी स्मारक भी शायद बंद होगा, तो फिर तो आज टोटली बंद होगा संडे, और कोरोना के लिए और भी बंद रखा है। यही है गाइस गांधी मैदान का मेन गेट, ये खुलेगा नहीं क्या? जो कि बंद है सर, खुलेगा आज? कल खुलेगा ही, संडे बंद रहता है। सुबह 5 से 10 के लिए खुलता है, से मतलब इस कोविड के वजह से एक टाइम खुलने के लिए दिया गया है 6 से 9, वो भी संडे को बंद रहेगा। क्या व्यर्थ, मतलब टिकेस करने के बाद हम लोग को अंदर जाने मिला, पर थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए, तो चलो जल्दी जल्दी जाके आते हैं। हम लोग अंदर आ चुके हैं अभी गांधी मैदान में, चलो पूरा देखते हैं, लेकिन फटाफट जाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी देर के लिए इजाज़त मिला है। ओके सर, गांधी जी का स्टैचू हो रहा, गांधी जी बहुत बड़ा स्टैचू है यार, दिख रहा होगा। ये देखो गांधी जी बैठे हुए हैं,
चलो आगे से दिखाता हूं ये गाइस गांधी छोटा सा फेमस है यार। जब 20-30 दिन होता था गांधी जी को बहुत ज़्यादा भीड़ आता था, तो जिसके लिए मतलब लगभग हर बार गांधी जी इधर स्पीच देते थे, क्योंकि फील्ड बहुत बड़ा था तो ज़्यादा लोग इकट्ठे हो सकते थे, इसीलिए फील्ड बहुत ज़्यादा फेमस है। गाइस यहाँ पे जब भी आना हो तो यहाँ पे जरूर विजिट करो एक बार, बहुत ही अच्छा फील्ड है और बहुत ही बड़ा है, और यहाँ पे लगभग 2 वर्ष बड़ा फील्ड आ जाएगा, इतना बड़ा फील्ड है गाइस। 2 वर्ष बड़ा स्टेडियम आ जाएगा, सोचो इतना बड़ा फील्ड है, तो कितना क्राउड, आराम से 1-1.5 लाख क्राउड इकट्ठा हो सकता है एक बार में, सोच लो कितना बड़ा है। इसीलिए ये फील्ड इतना फेमस है और नाम पड़ गया गांधी मैदान, चलने वाले वहाँ पे जहाँ पे गांधी जी खड़े होकर स्पीच देते थे। ओके, गांधी जी नहीं देते, कभी नहीं दिए गांधी जी जो है ना है। तो गांधी जी जब दिए थे जब क्या आजादी के पहले दिए थे तो बैठ के दिए थे, तब तब स्टेज नहीं था। ओके, स्टेज बना दिया गया। ये बोल सकते हैं ना भारत के प्रधानमंत्री लोग वहाँ पे आकर के जो है जो भी ये सभी लोग नरेंद्र मोदी आकर के यहाँ पे मतलब अभी आए मोदी कब आए आए जगह बहुत देखने का मन है, वहां जहां स्पीच देते हैं लीडर्स। गाइस तो परवेश सर बताइए कुछ इस जगह के बारे में। अरे काफ़ी धूप है लेकिन फिर भी गांधी जी से हम लोग प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ पे धूप कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि वो इतना मेहनत करके जब इस देश को आज़ाद कराती है। ये देखो काफ़ी कैसा लगता होगा ना, एक जन इधर खड़ा होकर स्पीच दे रहा और इतने सारे लोग सुन रहे हैं, काफ़ी सही नहीं लगता होगा। हम लोग पहुंच गए यार, देखो इधर से व्यू, यही है गांधी मैदान। सो वेलकम टू गांधी मैदान, वो मुझे पहले बोलना चाहिए था पर अभी आ चुके हैं। सो वेलकम, इतने सारे लोग जब होंगे कैसा लगता होगा। घूम लिए, अभी जाएंगे दूसरी जगह, बहुत धूप है और पानी भी पीना है अभी, चलो पहले गाड़ी में चलते हैं। इतना बड़ा फील्ड है, हम लोग वापस आ गए उधर से, उधर से वो देखो वो इतना छोटा सा जगह है वहाँ से। सो गाइस हम लोग घर पहुँच गए। तो गाइस इतना वीडियो देख ही लिए हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना मत भूलना, सब्सक्राइब नहीं किया तो देख लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत हो रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर कर दो अगर कर सकते हो तो, वक्त है तो शेयर कर दो। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाद में दिखाऊंगा यूट्यूब पे देखना डायरेक्ट।